अजय जी आपसे शुरुआत करता हूं, ये जो नीतीश कुमार की जो शुरुआत है, पहले राहुल गांधी से मुलाकात करना, फिर केजरीवाल से मुलाकात करना, और अब ममता और नीतीश से मुलाकात करना, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? आशुतोष जी, आज का दिन जो है वो विपक्षी एकता के लिए और नीतीश कुमार के प्रयासों के लिए, विपक्षी एकता के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है मेरे हिसाब से। नीतीश कुमार जब उन्होंने जनवरी में पटना में ये जग जाहिर किया था कि वो एक यूनाइटेड ऑपोजिशन देखना चाहते थे, और लगातार ये बात उन्होंने कहा कि कोई भी विपक्षी एकता कांग्रेस के बिना नहीं हो सकती है। ये बात उन्होंने तब कही थी जब केसीआर तेलंगाना में एक अलग प्रयास कर रहे थे। ममता बनर्जी का भी देखा जा रहा था कि वो एक अलग फ्रंट नॉन कांग्रेस प्लेटफॉर्म में एक अपोजिशन यूनिटी बनाने की कोशिश कर रही थी। उस समय नीतीश कुमार ने ये कहा था कि सारा यूनाइटेड अपोजिशन होना चाहिए था, और जब अखिलेश यादव केसीआर के प्लेटफॉर्म में जा रहे थे तो उसमें नीतीश कुमार नहीं गए थे। जनवरी में उन्होंने ये बात साफ कर दी थी कि उनको कांग्रेस से सिग्नल मिलना चाहिए, तब वो अपने प्रयासों में जुट जाएंगे। और उन्होंने ये पटना में एक CPIML लिबरेशन के कन्वेंशन में कहा था, जहाँ पे सलमान खुर्शीद भी मौजूद थे। और पिछली बार जब हमने अभी कुछ ही दिन पहले देखा, जब वो नीतीश कुमार, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले, वहाँ सलमान खुर्शीद भी मौजूद थे। तो ये बात एक तरीके से तय हो गई है कि ये जो विपक्षी एकता जो है, नीतीश कुमार के सामने एक ही चैलेंज है, और वो है चार पार्टी जो कांग्रेस के राइवल्स माने जाते हैं, उनको विपक्षी एकता में और विपक्षी जो गठबंधन है, प्री पोल कोलिशन है, उसमें जोड़कर लेकर आए। वो है आम आदमी पार्टी, केजरीवाल, इससे पहले ममता बनर्जी से पहले केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल से भी वो मिले और जो उन्होंने भी पॉजिटिव सिग्नल दिया, और है एक तृणमूल कांग्रेस जो अलग अलग बातें कह रही थी ममता बनर्जी की, हम कांग्रेस के साथ गठजोड़ नहीं करेंगे अभी एक दो महीने पहले। आज मगर उन्होंने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से मिलकर उन्होंने एकदम ही अलग बात कही, और उन्होंने ये कहा कि हम एक तरीके से यूनाइटेड अपोजिशन देखना चाहते हैं। उसी तरीके से अखिलेश यादव भी आज जो लगातार एक कैटेगोरिकली कहते आ रहे हैं कि वो कांग्रेस के साथ गठजोड़ नहीं करेंगे, उनके स्टैंड्स में भी एक स्टैंड दिख रहा है, जहां पे वो कांग्रेस के साथ आने। नीतीश कुमार आखिर कह क्या रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को अपना मूलभूत दुश्मन नहीं मानना चाहिए, और ये समय ये है कि बीजेपी के खिलाफ, मोदी के कल्ट के खिलाफ सारी विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो एक साथ होकर आए। और इसमें मुझे लगता है आज जो तृणमूल कांग्रेस और अखिलेश यादव से जो उनकी मुलाकात हुई, वो एक सैद्धांतिक तरीके से एक स्वरूप पकड़ता हुआ, एक शेप पकड़ता हुआ और विपक्षी राजनीति का एक अलग पड़ाव है। इसीलिए मैं इसको काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानता हूँ, और आने वाले दिनों में देखना होगा कि वो KCR से किस तरीके से बात करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, बाकी बहुत सारी विपक्ष, और एक चीज का हमें ध्यान रखना होगा कि बाकी विपक्ष एक है मगर ये चार पार्टी नहीं है। महाराष्ट्र में देखे तो बहुत सारे विपक्षी दल एक साथ होके महाविकास अगाड़ी उन्होंने बना दिया है। JMM के साथ झारखंड में ऑलरेडी एक गठबंधन है, बिहार में खैर एक सबसे बड़ा मजबूत गठजोड़ तो है ही, और इसी तरीके से अलग अलग राज्यों में एक गठबंधन बनता हुआ तैयार हुआ है, जहां पर मगर विपक्ष सेक्युलर राजनीति के अंदर जहां पर ये लड़ाइयां हो रही हैं, नीतीश कुमार के सामने वो चैलेंज है। और जहां तक उनका अनुभव है, उनका जो एक नेगोशिएटर की स्किल है, उस पे मुझे लग रहा है कांग्रेस से ज्यादा नीतीश कुमार को लेकर बाकी के विपक्षी दल जो है वो ज्यादा रिसेप्टिव दिख रहे हैं, और आने वाले दिनों में हमें दिखेगा कि किस तरीके से ये शेप पकड़ता है। मगर ममता बनर्जी ने एक बात ये भी कही है कि वो दिल्ली से हटकर एक ऑल पार्टी मीटिंग पटना में होनी चाहिए। तो दिल्ली का जो महत्व है वो उस तरीके से वो खत्म करना चाहती है, वो इस चीज को इंश्योर करना चाह रही है कि कांग्रेस का जो हमेशा एक बिग ब्रदर रोल रहा है वो एक तरीके से खत्म होके ये जो रीजनल पार्टी इस विपक्षी दल के एंकर बने और ना कि कांग्रेस बने। और कांग्रेस मुझे जिस तरीके से दिख रही है वो लगातार पॉजिटिव सिग्नल्स दे रहे हैं। अभी जो यहाँ कर्नाटका में ही राहुल गांधी और ने जो कास्ट सेंसस की डिमांड को आगे रखा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो PM को चिट्ठी लिखा कास्ट सेंसस में, यही सारी जो कास्ट सेंसस है वो नीतीश कुमार कर चुके हैं, अखिलेश यादव भी मांग कर रहे थे। एक आइडियोलॉजिकल यूनिटी की तरफ से भी लहजे से देखा जाए तो कांग्रेस इनकी तरफ
एक झुकाव उनका दिख रहा है, एक आइडियोलॉजिकल यूनिटी बनाने की भी कोशिश की जा रही है, जिसका हमेशा एक क्रिटिकल जो लोग देखते थे कि आइडियोलॉजिकल यूनिटी नहीं है, कांग्रेस भी अपनी तरफ से आगे पैर बढ़ा रही है और बाकी लोग भी बढ़ा रहे हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।